Good afternoon, guys. This is my second favorite. Okay. This is my first favorite Max आया है फिर बच्चों के साथ. And German Shepherds could protect people. तो आज ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ ट्रेन कैसे करना है, सोशलाइज बच्चों के साथ कैसे करना है इसको. तो इसका बेस्ट आइडिया यही है कि जब आपका जर्मन शेफर्ड डॉग पपी है, यानी कि एज 4 or 5 months है, तो जब ये 5 महीने का है, क्योंकि उससे पहले भी पपी जो होते हैं ना, वो पपी बाइटिंग करते हैं. पपी बाइटिंग का आपको पता ही होगा कि जब जर्मन शेफर्ड या कोई डॉग भी छोटा होता है तो वो हर चीज़ को लर्न करने के लिए इसको बाइट कर रहा होगा. सूजी गेट द स्क्वीकी टॉय, द ग्रीन स्क्वीकी टॉय. मैक्स इज ईटिंग अ टिन कैन. Oh, Susie, get the green toy and he will get, leave that thing. Throw. So the best idea is this. कि बच्चों के साथ छोटी उम्र में socialize करवाएं, जब इसकी उम्र कोई. Come in the cobblestone. Susie, leave him. Just get the toy and come back. I'll snatch a bit of cobblestone and throw it in the grass. और छोटी बच्ची है जो इसके साथ खेलना चाह रही है, लेकिन उसने पता नहीं क्या पकड़ लिया मुंह में. Give me toy. Give me. It's the best way to. यही हाल है अभी तक. इसको दूसरे टॉय से जान चढ़ाने के लिए तो मैं ये बोल रहा था कि जब ये बहुत छोटा है तब भी ये बाइट कर रहा था बच्चों को, हर चीज़ को बाइट कर रहा था. तो ये थोड़ा सा सेंसिबल होना शुरू हो जाता है एज ऑफ 4, 5, 6 months में. तो अगर तो आपने बांध के रखा हुआ है, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओ घर में, जब बच्चे हैं तो बच्चों में छोड़ो इसको, जब ये वॉक करने के लिए निकलता है साथ निकलो और इसको पता हो घर में बच्चे हैं, स्लो स्लो सोशलाइज कराओ उसको, लेकर निकलो बच्चों के साथ, बच्चे के साथ घर में खेलने दो घंटा आधा घंटा. मेरे ख्याल 2 or 3 days में ये सोशलाइज हो जाते हैं बच्चों के साथ, फिर नहीं बाइट करते. हाँ, फिर ये होता है कि ये डॉग एक्सीडेंटली कभी जब भाग रहे होते हैं बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, क्योंकि और तो कोई वाइट शाइट नहीं करते. वैसे भी एक चीज़ है पेरेंट्स पे, जब भी कुत्ता लो, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ 5 महीने का बच्चा लेना चाहिए जर्मन शेफर्ड का, ये तो समझ लो कि इससे सूजी का अपना ड्रामा चल रहा है. गाइस कम हियर, वी गोइंग दिस वे. ओके लेट्स वॉक ऑन द ग्राउंड हियर. Come. What's wrong, Susie? What? He's big. Max, too
ये सवाल है बस सबसे ज़्यादा इजी है, दो या चार दफ़ा आप ऐसे थोड़ा सा, सबसे पहले बच्चे को ब्रेव होना चाहिए डॉग के पास जाने के लिए ना, तो बच्चा डरेगा नहीं। खेलेगा डॉग के साथ, डॉग छोटी छोटी बाइट करने की कोशिश करेगा शुरू में। बच्चों को अपना खेलना है, डॉग अपना खेलने की पड़ा हो। अभी इसको घर जाके भी बांधना नहीं है काफी देर। देखो बच्ची चाल कर रही है तो जा रहा है उसके पीछे भी। तो ये दोनों के लिए हेल्थी है। और साथ हमेशा आपने कुत्ता रखना है, कोशिश करो कि वेल ट्रेन हो, काटने काटने वाला ना हो। फिर हर टाइम हम यही मुसीबत पड़ी रहती है कि कोई उधर चला ना जाए, डॉग खुला तो नहीं है, एक्सीडेंटली किसी को बाइट ही ना कर दे। आपको पता ही जर्मन शेफर्ड बाइट बहुत खतरनाक होती है। ओह यस, इट्स लुक लाइक सेम। ये देखो ना अभी स्लो स्लो, पहले ये भी मेरा बच्चे वाला भी मैक्स भी पपी बाइटिंग करता था। जैसे जैसे ये इसकी एज बढ़ती जाएगी ये मोर सेंसिबल होता जाएगा, कोशिश करेगा कि इससे किसी को हार्म ना हो, कोशिश करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, गलती से भी बाइट ना कर दे। हाँ, और यही टाइम है इसका बिहेव चेंज होने में भी, यहाँ से ऊपर फिर कई अग्रेसिव हो जाते हैं। 5 महीने 6 महीने का हो गया ना, इसके बाद इसको इतना आप मिसयूज करते हो, इसको मिसट्रीट करते हो, कुत्ते को मिस गाइड करते हो, तो कुत्ते का बिहेव चेंज होने में 1 महीना लगता है। सूजी, सूजी देखो ना उसे भी छोड़ के आ रहा है। उसे पता है मेरे से सबसे ज्यादा अटैच मुझसे। स्लो स्लो हो जाएगा बच्चों के साथ भी। हाँ, बाइक शाइक नहीं करता, कैन यू थ्रो टॉय स्क्वीज एंड देन डैड कैन वी गो टू द स्लिपरी माउंटेन, कैन वी गो टू द स्लिपरी माउंटेन, वी विल गो ऑन द एंड लास्ट मिनट। व्हाई डू वी सी लाइक तो इजी है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, 2 से 4 दफा हमने ही, ये आपके कुत्ते के माँ बाप पे है, अगर तो वो अग्रेसिव है, अग्रेसिव ब्रीड है, मिक्स ब्रीड है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन ये है कि कुत्ते को अर्ली ऑन अगर आप ट्रेन कर लोगे तो मेरा नहीं ख्याल तो कोई मसला होने वाला है ऐसा। बेस्ट मैं यही कहूँगा कि आप इसको सोशलाइज करो,
देखो कुत्ता ये कि नेचर में है बार्क और बाइट, वो तो उसका है ही है। अगर आप सोशलाइज कर लोगे तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।